सुन लड़की, पूजा नाम है ना तेरा, बड़ा अच्छा नाम है। मैं तुझे ऐसा बना दूंगी कि लोग तेरी पूजा करेंगे। हाँ सच में, मैं तुझे बहुत पहले से जानती हूँ, जब तू स्कूल में पढ़ती थी। वो राज जिससे तू प्यार करने लगी थी, वो मेरा ही पंटर था। अगर तू उस समय उसके प्यार के जाल में फंस गई होती तो तू बहुत पहले ही मेरे पास आ गई होती। पर पता नहीं चला कि उस समय तू उसके चंगुल से बच कैसे गई। देवू कहाँ है? मैं विक्रम को पीछे कर रहा हूँ। विक्रम किसे वो ढूंढ रहा है? कल तो पूजा विक्रम के पास थी, लेकिन पता चला कि अचानक पूजा गायब हो गई है। इन सबके पीछे चंगेज का हाथ है। नहीं सुराग तो कुछ है नहीं, लेकिन जैसे ही विक्रम चंगेज से मिलेगा मैं बता दूंगा। पर अब देख, तू आखिर अपनी मंजिल पे पहुंच ही गई। अब तू यहाँ रानी बन के रहेगी, मौज करेगी तू मौज। मैं तुझे पूरे शहर की रानी बना दूंगी। गंगूबाई तुझे दुनिया का हर सुख दिलवाएगी, दुनिया घूमेगी तू। कुछ ऐसा वैसा करने की सोचना भी मत, ये सोचना कि अब मैं ही तेरी जिंदगी बनाने वाली हूँ। मैंने तेरा ख्याल रखने के लिए अपना सबसे खास आदमी रखा है। वो तेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। ये है हमारे यहाँ का नया पंछी, इसे यहाँ के तौर तरीके समझाओ, और ना समझे तो अपना तरीका अपनाओ। पहले कुछ लड़कियों ने भागने की कोशिश की थी, मैंने इसके हवाले कर दिया था। आज तक उनकी आवाज नहीं निकली है। बहुत अच्छी सजा देता है ये। We'll be right back.
बेटा ये दुनिया बहुत खराब है, तुम्हें पता नहीं है कि जब तुम बाहर निकलती हो तब तुम्हें कौन किस नजर से देख रहा होता है। पता नहीं मुझे तुम्हारे बारे में कुछ घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है तुम पर कोई मुसीबत आने वाली है। बताएगी तो तुम्हें उस मुसीबत से अकेले ही लड़ना होगा, कोई नहीं होगा तुम्हें उससे बचाने ना के तुम्हारे लिए। प्यारे चाचा, ना तुम्हारे पापा, ना ही तुम्हारा कोई दोस्त। इसलिए हर मुसीबत का सामना तुम्हें अकेले करना है। ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है पूजा जितनी दिखाई देती है, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा। खाना खा लीजिए, यहाँ पे बस दो ही चीजें मिलती हैं, या तो खाना खा लीजिए या तो उस मोटे की मार। देखिए ऐसे कब तक भूखे रहेंगे आप। ये बहुत बुरे लोग हैं, आप खाना खा लीजिए, बहुत सारी लड़कियों को मारते हैं। मैंने एक बार यहाँ से भागने की कोशिश की थी, इन लोगों ने बहुत मारा। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई भाग जाने की। अब तो मैंने इसे ही अपना नसीब समझ लिया है। प्लीज आप खाना खा लीजिए। और आप अगर उनकी बात नहीं मानेंगी और खाना नहीं खाएंगी तो आपको ऐसा ही खाना मिलता रहेगा। और मान लेंगी तो आपको अच्छा खाना मिलेगा। मैं जा रहा हूं।
देख लड़की, अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। जबरदस्ती मार खाने वाले काम मत कर। तुझे ज्यादा दिन मैं यहाँ नहीं रख सकती, इसलिए जो भी करना है जल्दी कर। अभी कुछ लोग आने वाले हैं, तैयार होके रहेगी तो मोटी रकम हाथ लगेगी, और मुझे मोटी रकम मिलेगी तो उसमें तेरा भी तो हिस्सा होगा ना। देख, मैं कोई बुरी औरत नहीं हूँ, तेरा भला चाहती हूँ, बल्कि ये कह लो मैं तो हर लड़की का भला चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की खुश रहे। मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है तेरे जैसी लड़कियों को बर्बाद होने से बचाने के लिए। मेरी बात को समझ। तू हुई, ये लड़की हुई या बाकी लड़कियां हुई, सबको खुश देखना चाहती हूँ मैं। पूछ कैसे? देख, अगर तू नॉर्मल जिंदगी जिएगी, वहां तेरी शादी होगी, एक अजनबी के घर में जाएगी तू, अजनबी आदमी के साथ, अजनबी लोगों के साथ। तेरा बाप तुझे वहां भेजने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देगा। तुझे वहां बोला तो जाएगा कि तू उस घर की रानी है, पर तू बनेगी असल में वहां की नौकरानी। यही असली सच है लड़कियों की जिंदगी का, और मैं इसे ही बदलना चाहती हूँ। मैं तुझे सच की रानी बना दूंगी, तेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा लूंगी। बोल, जो मैं बोलूंगी वो करेगी ना? बोल, अरे बोल ना, घूर क्यों रही है? मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं समझाने के, जितनी जल्दी समझ जाएगी ठीक होगा। हेलो, हाँ भाई, मैंने विक्रम और उस औरत की सारी बातें सुनी। विक्रम उस औरत से चंगेज के बारे में पूछा था कि चंगेज कब आता है, कब जाता है, कहाँ रहता है, और ये पूछा था कि पूजा के गायब होने में कहीं चंगेज का हाथ तो नहीं है ना। वो औरत कह रही थी कि वो शाम तक सब कुछ पता करके बताए। इसीलिए तो सब लोग कहते हैं कि मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ। कुछ लोग तो मुझे अपना भगवान मानते हैं। चल, अच्छा अब चलती हूँ, गरीबों को राशन बांटते हुए फोटो खिंचवानी है। अगले साल चुनाव भी तो लड़ना है ना। तू अगर ठीक से रही तो तू मेरी बहुत खास बन सकती है। चल खाना खा ले, आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, एक मिनट, मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे तो बहुत से लोग जानते हैं और सलाम भी करते हैं। नहीं, मैं किसी और वजह से जानता हूँ तुम्हें। पूजा को जानते हो? यस, पूजा इज माय गर्लफ्रेंड। ओह, लास्ट टाइम कब बात हुई थी? मेरी उससे कभी बात नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी उससे मिलने वाला था और अपने दिल की बात उसको बता। लास्ट टाइम मिले कब थे? मैं पूजा से कभी नहीं मिला हूँ, बट आई एम हर साइलेंट लवर। आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं पूजा का चाचा हूँ और तुम्ही को ढूंढ रहा था। अरे चाचा जी, माफ करिएगा, मेरा इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है, और मैं तो खुद पूजा को ढूंढ रहा हूँ। और यकीन मानिए, जिस किसी ने भी पूजा को किडनैप किया ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो, तुम्हारे इन इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखो और पूजा को ढूंढने में मेरी मदद करो, ठीक है? लेकिन चाचा जी, एक वादा करना होगा आपको हमसे कि अगर मैंने पूजा को ढूंढा तो आप तो पूजा को शादी मेरे साथ करवा लो। अबे पूजा कोई खजाना नहीं है कि जिसे मिला उसका हो गया। लेकिन मेरे लिए तो खजाने से बढ़कर है। देख भाई, थोड़ा रियलिटी की दुनिया में रह। पूजा की जिंदगी है, वो किससे शादी करे, किससे प्यार करे, ये पूरा उसका फैसला है, समझे? ना मैं इसमें कुछ बोलूँगा, ना उसके पापा कुछ बोलेंगे। हाँ, अगर वो तुम्हें प्यार करती है तो हमें क्या प्रॉब्लम है। वाह चाचा जी वाह, क्या विचार हैं आपके, कितने महान विचार हैं आपके।
अगर आपके जैसे दो चार चाचा लोग और हो जाए ना तो देश का कल्याण हो जाए। बकचोदी छोड़ो और पता करो पूजा कहाँ है। पूजा जी, पूजा जी आज मुझे बहुत गुस्सा आया उस गंगूबाई पर, उसने बहुत मारा उस लड़की को, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। सुना है कि कल आपको कोई आदमी देखने आने वाला है, अगर उस आदमी ने आपको पसंद कर लिया तो ये औरत बहुत सारा पैसा लेके आपको उसके साथ भेज देगी। डरिए मत, हिम्मत रखिए, आज जो हुआ उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने एक प्लान बनाया है। आज रात के खाने में मैं गंगूबाई के खाने में जहर मिला दूंगा और गंगूबाई का खेल हमेशा के लिए खत्म। और मौका देख के हम यहाँ से भाग लेंगे। समझ लीजिए आज आपका यहाँ आखिरी दिन है, रोइए मत, आज काम हो जाएगा, प्रॉमिस। एक लड़की है पूजा, हमें उसका पता लगाना है। चंगेज ने उसको कहीं छुपा दिया है। बहुत बड़े घर की लड़की है, किसी गंगूबाई के कोठे पर भेज दिया उसने। गंगूबाई का कोठा कहाँ है और उस कोठे तक पहुँचने के लिए क्या रास्ता है? पूजा गंगूबाई के पास। कौन है ये गंगूबाई? गंगूबाई बहुत बड़ा नाम, शहर के हर बड़े और रसूखदार शक्ति नक्त। कहने को तो वो एक सोशल वर्कर है, महिलाओं के हित के लिए काम करती है, लेकिन एनजीओ की आड़ में वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चलाती है। महीने में तकरीबन 150 लड़कियों को बाहर भेजती है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया ना तो पूजा की जान को खतरा हो सकता है। अगर एक बार पूजा शहर से बाहर चली गई तो उसे कोई वापस नहीं ला सकता है।
इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ से नदीन खुल्ले का एरिया शुरू होता है। सलीम मुक्ता गंगू भाई का खास आदमी है, अधिकतर लड़कियों को यही उसके पास लाता है और यही उनको बाहर भी भेजता है। उससे मिलूंगा कैसे जाके? हाँ सलीम भाई, एक साहब आ रहे हैं, उनको माल चाहिए, उनकी जो भी मदद हो सके तुम करो, ठीक? अब आप जाइए, सलीम आपको गंगू भाई के कोठे तक पहुंचा देंगे और पूजा को कैसे ढूंढना है वो आप देखेंगे। मतलब पूजा को ढूंढने की रेस में तुम बाहर हो गए? अच्छा है, रेस खत्म। रेस अभी खत्म नहीं हुई, और जब पूजा एक बार बाहर आ जाएगी ना तब फिर पूछेगी रेस कौन जीता। देखते हैं वो सब। सलीम, हाँ, माल चाहिए। कौन सा? एकदम ताजा। माल के लिए माल लगता रे? बहुत है। माल है तो माल मिलेगा। चल फिर, गंगू भाई अपनी बहुत खास है, हर तरह का माल है उसके पास। चल आजा। वहां चलना, चुपचाप रहना, वो हर तरह का माल दिखाएगी, चक्कास माल मिलेगा। डॉलर में लगेगा, डॉलर में, अगर डॉलर देगा तो डॉलर जैसा माल मिलेगा। गंगू भाई बहुत खतरनाक है लेकिन माल बहुत अच्छा अच्छा उसके पास, डॉलर के माफिक। तू देखेगा ना, तेरा दिल खुश हो जाएगा। चल चल, जल्दी चल, डर मत, मैं हूं ना। अपन गंगू भाई का खास आदमी है। अरे उसकी तूती बोलती है इधर, टेंशन नहीं लेने का। अरे सलीम लुक्का नाम है मेरा। चल आज तेरे को माल दिखाता है। अबे चलना, रुक क्यों गया? चल चल चल। अरे कुछ नहीं होगा रे, चल मैं हूं ना। सलीम लुक्का नाम है मेरा, टेंशन गली में सबकी फट्टी है। गली में रहने वाले की छोड़, पूरे इलाके में ना पिछवाड़े से धुआं निकलता है अपने नाम से। सुन तू इधर रुक, मैं आता है, पता करके आता है।
बोला। हाँ चाहूँ विक्रम घर पे नहीं। देख मेरी बात मानेगी तो सुखी रहेगी, समझ गई कि नहीं? नहीं तो कुटती रहेगी दिन भर अब, और मैं तुझे दिन भर कूट कूट के सुधार दूंगी। ए लड़के, सब्जी लाएगा कि नहीं लाएगा? जा जल्दी सब्जी लेके आ। अंगू भाई ताजा माल रेडी कर, एक फंटर आया। आई कार्ड देखा है उसका? पूछता है मैं उसको, बिना आई कार्ड देखे किसी को मत लाया करो। कितनी बार बोला तुमको, कहीं कोई पुलिस का सीबीआई का आदमी हुआ तो फंसाएगा क्या हम सबको? अब जा। पूछता है मैं उसको, रुकना एक मिनट। आई कार्ड लाए क्या? नहीं। पहले आई कार्ड लेकर आए। गंगू भाई बिना आई कार्ड के किसी को आने नहीं देती रे। पुलिस का बहुत लफड़ा इधर, वो आई कार्ड मांगता है क्योंकि गंगू भाई बिना आई कार्ड के आने नहीं देती। क्या भरोसा तू पुलिस वाला हो तो? आई कार्ड लेके आ, माल तेरा। कल लाऊं चलेगा? कभी भी आ, आई कार्ड लेके आ, माल लेके आ, माल लेके जा। अंडरस्टैंड? कहाँ मिलोगे मुझे? वही अपने बेड के पास। अब इधर किसको भी पूछ, सलीम लुक का किधर मिलेगा? सब जानते हैं अपने को। और हाँ, बिना आई कार्ड के मत आना क्योंकि गंगू भाई बहुत खतरनाक है।